नमस्ते व्यूअर्स, जय हिंद, वेलकम टू विदाली किचन। आज हम आपको महाराष्ट्रियन कोशिंबीर बनाने की विधि बता रहे हैं, रेसिपी दे रहे हैं। ये बेसिकली सैलड है और इसमें हम सब चीजें बहुत बारीक बारीक काटते हैं। देखिए, ये हमने काटा है एक छोटा सा प्याज, ये हमने ली है आधी ककड़ी बारीक कटी हुई, ये हमने लिया है एक टमाटर एकदम बारीक बारीक काटा हुआ, हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है, किस लिया है, ये हमने लिए है हरी धनिया और ये लिए हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लिया है हमने नींबू। अब देखिए, इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले एक बोल ले लीजिए आप, और इसमें हम डालेंगे प्याज, ककड़ी, टमाटर, गाजर, फिर हम इसमें डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया में हमने इसकी डंठल भी थोड़ी बारीक बारीक काट ली है, तो उसका जूसी वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा और डिफरेंट आता है। और हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक काटिए और थोड़ा सा जुडिशियसली डालिए, क्योंकि सबको हरी मिर्च मुँह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। और अब हम इसमें एक बड़ा टेबल स्पून हमने इसमें दही डाल दिया है। देखिए, दही डालने से ये टेस्टी भी हो जाएगा और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बस देखिए, अगर आपको लगता है कि इसमें कोथमीर की कमी है तो आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सरल है इसको बनाना, और क्योंकि इसके टुकड़े सैलड के हमने सब चीज़ें छोटे छोटे काट के रखे हैं, तो इसको बच्चे भी शौक से खाते हैं जो कि सैलड अवॉइड करते हैं। हमने थोड़ी सी हरी धनिया और डाल दी है, देखिए इस तरह से, और ये सैलड बहुत ब्यूटीफुल और बहुत कलरफुल दिखता है। आप इसको भाकरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस डिफरेंसेस सैलड कोशिंबीर को बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए और इनबॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिए। नमस्ते।